तो जैसा कि आप सभी को थंबनेल से पता हो गया होगा कि इसमें मैं आप सभी को पीडीएफ को कंप्रेस करने के लिए बताऊंगा, यानी कि आपका पीडीएफ अगर 1 MB, 2 MB या 3 MB या 4 MB में है तो आप अपने पीडीएफ का साइज कम कैसे करेंगे उसका मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। इसमें मैं आपको फोटोशॉप का यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं केवल यहाँ पर ऑनलाइन आपको पीडीएफ साइज कम करके दिखाऊंगा कि आपको पीडीएफ का साइज कम कैसे करेंगे। आप जितना मर्जी है उतना चाहे आप अपना पीडीएफ का साइज कम कर सकते हैं, उसके लिए टेंशन बिल्कुल फ्री रहिए। और यहाँ पर जो आप पीडीएफ का साइज कंप्रेस होगा यानी कम होगा तो उसमें कोई ब्लर नहीं आएगा, जिस तरह से आपको पीडीएफ साइज दिखाई देगा उसी तरह से आपको एकदम पूरा क्लियर डिटेल्स वहाँ पर डॉक्यूमेंट में मिलेगा। जैसा कि मैं आप सभी को यहाँ पर इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कंप्लीट जानकारी के साथ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कर दिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अपना फोटो का भी अगर साइज कम करना चाहते हैं या पीडीएफ साइज कम करना या किसी भी तरह का अगर आपको साइज से प्रॉब्लम आता है फॉर्म ऑनलाइन करने में तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके लिए मैं आपको स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिससे आप अपना जो भी फोटो का अगर आप अपना अगर साइज कम करना चाहते हैं तो उसका मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। फिलहाल मैं इसमें आप सभी को बताने वाला हूँ कि पीडीएफ साइज कम कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आना है आपको यहाँ पर गूगल बॉक्स में और यहाँ पर आप मैं एक लिंक दूंगा जिससे आपको बिल्कुल 100% फ्री में आप कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर एक आपको ये वेबसाइट दे दूंगा, यहाँ पर लिखा miniimagevideos.com PDF, यानी इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और सर ऐसे बहुत सारे लिंक है लेकिन मुझे इस वाला लिंक पर बहुत अच्छा लगा यहाँ पर कंप्रेस करने में, क्योंकि और सारे जो लिंक था पीडीएफ कंप्रेस करने के लिए तो उन सभी में क्या होता है कि मतलब एक दो बार कंप्रेस करेंगे फिर दोबारा कंप्रेस नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर बहुत सारा खोजने के बाद ये एक वेबसाइट मुझे मिला जो फ्री में यहाँ पर कंप्रेस होता है और बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर कंप्रेस हो पाता है पीडीएफ का। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको कंप्रेस करके दिखा देता हूँ। तो पहले मैं उस वाले पीडीएफ को दिखाऊंगा जिस वाले पीडीएफ को मैं कंप्रेस करना चाहता हूं। तो चलिए मैं यहां पर मैं एक पीडीएफ ले लिया हूं, यहां पर आप देख पाएंगे कि पीडीएफ का साइज मैं इसका पहले दिखाता हूं कितना है। पहले तो यहां पर आप पीडीएफ का साइज देख पा रहे होंगे कि यहां पर लिखा हुआ है 780 KB का यहाँ पर पीडीएफ का साइज है मेरा, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है जैसे कि आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आप डिटेल भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 776 KB का है यहाँ पर। और चलिए मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ, इसी वाले पीडीएफ साइज को मैं कम करता हूँ इसको। चलिए मैं नाम चेंज कर लेता हूँ ताकि आप सभी को ना लगे कि ये गलत वाला है। जैसे मैं यहाँ पर एक नाम दे दिया हूँ TT के नाम से, यहाँ पर 4 OT लिखा हुआ। तो चलिए मैं यहाँ से आपको लॉग इन कर लेता हूँ, यहाँ से निकाल लेता हूँ और ये वाला वेबसाइट पर आइएगा। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले क्या करना है आपको कि यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक अपलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जिस फाइल का आप साइज कम करना चाहते थे उस फाइल को यहाँ पर चूज कर लेंगे। चलिए मैं चूज कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंप्रेस मेरा हो रहा है। कंप्रेस होने के बाद देखिए यहाँ पर मुझे 776 KB था, इसका 95% यानी कि 776 का 95% निकालिएगा तो उसके अनुसार यहाँ पर -95% यानी कि 5% इसमें कंप्रेस हो चुका है, यानी कि 95% कंप्रेस हुआ, 5% बचा हुआ है, जो 5% आपका साइज बचा हुआ। तो वहाँ पर उसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से चलिए आपको जहाँ सेव करना है वहाँ पर सेव कर लेते हैं। मैं डेस्कटॉप पर कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पर करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं TT Compress 0 लिखा हुआ है, ये फाइल मेरा कंप्रेस होने के बाद का है। मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरा साइज कम हो चुका है यहाँ पर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको प्रूफ के साथ। चलिए मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मेरा यहाँ पर टीटी वाला है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कंप्रेस वाला है ये वाला। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पर उस वाला फाइल को मैं दिखाता हूँ प्रॉपर्टी और इस वाले फाइल का। यहाँ पर इस वाले साइज का यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 40 KB मात्र है, यानी कि 36.5 KB का जी, यानी कि लगभग आपको यहाँ पर 40 KB। और इस वाला का प्रॉपर्टी मैं दिखाता हूँ, इस वाला जो पहले वाला था, पहले वाला का प्रॉपर्टी आप देखिए यहाँ पर। चलिए मैं पहले वाला उससे का आपका प्रॉपर्टी यानी कि पहले वाला का देखिए 780 KB और यहाँ पर देखिए कंप्रेस होने के बाद 40 KB का है। तो इस तरीके से अपना कंप्रेस बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हैं पीडीएफ साइज का। तो इस तरह से आपका साइज का पीडीएफ कम कर सकते हैं, पीडीएफ का साइज कम कर सकते हैं। अगर मन में किसी भी तरह का इस तरह का सवाल आता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका अगर नहीं होता होगा तो। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए।